आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। प्राइम डिबेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव की इस समय तैयारी शुरू हो चुकी है। तीन महत्वपूर्ण उपचुनाव हैं। एक तो मैनपुरी से लोकसभा का उपचुनाव है, दूसरा जो उपचुनाव है वो रामपुर में और खतौली में, जो भी हाल में ही सीटें रिक्त हुई हैं। मैनपुर उपचुनाव की बात करें तो मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद ये सीट खाली हुई है, और हमारे देश की संवैधानिक प्रक्रिया के चलते सीट को 6 महीने के अंदर भरना होता है। उसके लिए कवायद शुरू हो गई है और जो चुनाव है उसकी घोषणा भी कर दी गई है। के साथ साथ अभी हाल में ही हेड स्पीच के मामले में जिस तरह से सजा के बाद यहाँ पर रामपुर की सीट को रिक्त किया गया, उसके बाद वहाँ पर भी चुनाव की घोषणा कर दी गई है। हालांकि इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है और चुनाव आयोग ने 12 घंटे का जवाब भी मांगा है, पर चूंकि यहाँ पर सीट रिक्त कर दी गई है तो चुनाव आयोग के जो आदेश है उस पर यहाँ पर चुनाव तो खैर होना ही है। अब आने वाले समय में चुनाव आयोग की क्या प्रक्रिया रहेगी वो फिलहाल एक अच्छे प्रश्न है। दूसरा जो चुनाव रहेगा वो खतौली में रहेगा, मुजफ्फरनगर की खतौली विधानसभा, जहां पर विक्रम सिंह सैनी विधायक थे 2013 में कवाल कांड के चलते, 2 साल की सजा के चलते 11 अक्टूबर 2022 से उनकी सीट को भी रिक्त माना गया, उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई और सीट को रिक्त कर दिया गया। हालांकि इसमें अगर हम बात करें तो रालोद प्रमुख जयंत चौधरी का एक पत्र बहुत वायरल हुआ था और उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना से एक पत्र लिखकर मांग की थी कि ये हेट स्पीच के मामले में जब आजम खां की सदस्यता रद्द हो सकती है तो फिर अब तक विक्रम सैनी क्यों बचे हुए हैं। हालांकि इस पर तरजीह देते हुए, संज्ञान लेते हुए उस पर भी चूंकि लगातार विपक्ष हमलावर हो रहा था तो उस मामले की भी तीसरी कर दी गई और उनकी सदस्यता रद्द करते हुए 11 अक्टूबर 2022 से एस टी भी रिक्त घोषित कर दी गई और उस पर भी चुनाव होने हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात अगर इन चुनावों की माने तो दो महत्वपूर्ण सीट मैनपुरी और रामपुर, जहां पर अब तक भारतीय जनता पार्टी अपना परचम नहीं लहरा पाई, अब ये दुर्ग है। क्यों है? क्योंकि मैनपुरी का जो व्यवस्थाएं हैं या जो वहां का समीकरण है वो कहीं ना कहीं सपा के समर्थन में जा रहा था और उसी को चलते लगातार वापस जीते हैं। अभी हाल में ही पूर्व रक्षा मंत्री और समाजवादी पार्टी के प्रोढ़ा मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद सीट रिक्त हुई और कहा जा रहा है कि इस बार भी बीजेपी यहाँ पर कोई करिश्मा नहीं कर पाएगी, क्योंकि जो लोगों की जो सहानुभूति है वो सपा के साथ में है, क्योंकि एक अलग जुड़ाव था उनका नेताजी के साथ, नेताजी यानी दिवंगत मुलायम सिंह यादव। इसके साथ साथ जो महत्वपूर्ण सीट है रामपुर, आजम खां पहले सांसद रहे, उसके इस्तीफा दिए, उपचुनाव हुए रामपुर आजमगढ़ में और दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी ने अपना परचम लहराया, उसके बाद विधायकी जीतने के बाद यहाँ पर फिर हेड स्पीच विवाद के चलते सीट रिक्त कर दी गई और यहाँ पर भी दशकों आजम खां का राज रहा विधायक के तौर पे और दोनों जगहों पर बीजेपी अब तक नहीं जीत पाई है। तीसरी खतौली, हालांकि अभी हाल में जिस तरह से गोला गोकर्णनाथ का परिणाम आया है उस परिणाम से एक बात तो स्पष्ट करती है कि बीजेपी किसी भी एक सीट को हल्के में नहीं लेती है। लंबे लंबे प्रचारक, सभी मंत्रियों को लगाया, लंबी प्रचारों की फेल लिस्ट और संघर्ष, मेहनत और प्रचार, अनवरत प्रचार, लगातार प्रचार और समीकरण ये आए और परिणाम ये आए कि अमन गिरी ने अपने पिता का यानी अरविंद गिरी का ही रिकॉर्ड तोड़ते हुए वहां पर जीत दर्ज की। और चूंकि इस पर भी बसपा सुप्रीमो मायावती ने स्पष्ट कहा कि समाजवादी पार्टी हमेशा कहती आई है कि यहाँ पर लोग लड़ते हैं और उनके लड़ने के कारण समीकरण खराब होते हैं, पर यहाँ पर तो बसपा ने उतरी भी नहीं थी, उसके बावजूद यहाँ पर परिणाम सपा के यानी पक्ष में नहीं गए, विपक्ष में गया, यानी भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर दोबारा जीत हासिल हुई। कैसे, कारण क्या है, क्या कहीं ना कहीं कमी है प्रचार की या समीकरण स्पष्ट नहीं है कि होना क्या है? मुस्लिम मतदाता भी थे, कुर्मी मतदाता थे, पिछले वर्ग के मतदाता भी थे, पर यहाँ पर समीकरण भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आया और इतिहास वही बना जिसकी लोग उम्मीद जुटा रहे थे। खैर, यहाँ पर एक जो एक समीकरण और सुलझ गया है या उलझ गया है, सुलझेंगे इसलिए
क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से प्रसपा प्रमुख शिवपाल सिंह यादव का गोरखपुर में कल एक बयान आया है, उन्होंने कहा है कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव चापलूसों से घिरे रहते हैं, उनको कोई सलाह देने वाला नहीं है, और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया ही असली समाजवादी पार्टी है, और जो लोग इस समय उपेक्षा के शिकार हैं सबको एक कर रहे हैं, जब वो परिवार को नहीं जोड़ सकते हैं तो फिर और लोगों को कैसे जोड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी जो उम्मीद जताई जा रही थी कि मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद यहाँ पर कुछ स्थिति बेहतर होगी, शायद पूरा परिवार एक हो जाएगा, पर जहाँ पर इस तरह के बयान आ रहा है इससे फिलहाल तो ये मैग मरीचिका ही लग रही है कि शिवपाल सिंह यादव और अखिलेश यादव एक हो पाएंगे। और चूंकि उन्होंने स्पष्ट कहा है कि समाजवादी पार्टी उनकी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी ही असली समाजवादी पार्टी है, स्पष्ट कहा है, और इस बात से कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें समझ में आ रही हैं कि जो अब तक दरार थी वो दरार अब पटने वाली नज़र नहीं आ रही। खैर, मैनपुरी चुनाव होना है जल्दी, इसका नतीजा भी आएगा और प्रत्याशी कौन घोषित करेंगे। हालांकि यहाँ पर सबसे पहले बाजी मारते हुए सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। सुभाषपा ने वहां पर मैनपुरी से रमाकांत कश्यप पर अपना दाव लगाया है, तो वही खतौली से रमेश प्रजापति को उन्होंने विधानसभा चुनाव में उतारा है, सबसे पहले उन्होंने घोषणा की। अब ये घोषणा का कारण क्या है, ये सभी को उलझा रहे हैं, सुलझा रहे हैं, और किसको नुकसान देंगे ये भी एक अच्छे प्रश्न है, क्योंकि अभी हाल में ही हमने देखा 22 का विधानसभा चुनाव समाजवादी पार्टी के साथ लड़ा, और लड़ने के बाद एसी में बैठने के लेकर तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप के दौर रहे, एसी कमरों से बाहर निकले, उस तरह की जब उनकी बयान रहे उसके चलते अखिलेश यादव जी की नाराजगी, और उसके बाद राष्ट्रपति चुनाव में लगातार हमने देखा कि उनकी बीजेपी के साथ बढ़ती नज़दीकी के चलते ये गठबंधन भी टूट गया, और टूटने के बाद जो स्थिति सामने आई वो यह है कि आरोप प्रत्यारोप के दौर लगातार जारी है, और किसी भी मौके पर सुभाषपा और सपा एक दूसरे के ऊपर पलटवार करने से पीछे नहीं रह रही है, और कारण है भी राजनीति है। हालांकि अभी तक कुछ पत्ते नहीं खुले हैं कि किसके साथ लोकसभा चुनाव में जाएंगे कि अकेले चुनाव लड़ेंगे। फिलहाल जिस तरह से अभी हाल में ही सावधान यात्रा निकाली है लखनऊ से पटना तक लेकर, तो समीकरण यही बता रहे हैं कि अब सुभाषपा अपने आप को उत्तर प्रदेश में प्रत्येक जिले में मजबूत करने के लिए तैयारी कर रही है। उनका लक्ष्य केवल पूर्वांचल नहीं है, उनका लक्ष्य केवल एक सहयोगी पार्टी बनना नहीं, उनका लक्ष्य अब एक ऐसी पार्टी बनना है जिसको हर जिले में लोग जाने, और उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों पर जो बेहतर परिणाम सामने लेके आए, जिससे कि उनको अपना सहयोग हर इंसान हर पार्टी को ना देना पड़े और विकल्प उनके सामने ना। फिलहाल मैनपुर चर्चा का विषय है, और यहाँ पर किस तरह से लोग जुड़ेंगे और किस तरह से यहाँ पर समीकरण पैदा होंगे ये फिलहाल एक बड़ी बात होगी। खैर, मेहमान जुड़ चुका, आपको रूबरू करा दूँ। हमारे साथ अश्विनी शाही भाई भारतीय जनता पार्टी से अपना पक्ष रखेंगे, प्रवक्ता सपा के रूप में नितिन सिंह यादव अपना पक्ष रखेंगे, प्रवक्ता प्रसपा के रूप में मोहम्मद इखलाक जी अपना पक्ष रखेंगे, प्रवक्ता सुभाषपा के रूप में उमेश यादव भाई अपना पक्ष रखेंगे, और अजय श्रीवास्तव भाई राजनीति विशेषज्ञ अपना पक्ष रखेंगे। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। तो हमारा ये पहला सवाल रहेगा वो नितिन सिंह यादव जी से रहेगा। नितिन जी, चुनौती बहुत बड़ी है और निश्चित रूप से यहाँ सहानुभूति का लाभ तो उम्मीद है मिल जाएगा, और खैर परिणाम क्या आएंगे वो तो यक्ष प्रश्न है, भविष्य के गर्भ में निहित है। पर जिस तरह से प्रसपा प्रमुख शिवपाल सिंह यादव ने गोरखपुर में जो बातें कही कि असली समाजवादी पार्टी हम हैं और अखिलेश जी चापलू से घिरे हुए हैं, उनको कोई सही राय नहीं दे रहा है, तो कहीं ना कहीं ये भी लग रहा है कि जो दरार पाटने के लिए कहा जा रही थी, ये कहा जा रहा था कि मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद जो एक एकजुटता नज़र आ रही थी वो अब नज़र नहीं आ रही है, वही स्थिति फिर पैदा हो गई है जो हम विधानसभा चुनाव को देखते हुए आ रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर हमको तरजीह दिए होते, हमारा साथ लिए होते, शायद 17, 19, 22 में परिणाम बेहतर होते। कैसे देखते हैं? जी तो बहुत दुखदनाक जी 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 से पहले जी उनका आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, जो तमाम दलों के लोग जी राजनीति से परे उठ करके जी
नेताजी को श्रद्धांजलि से मिलकर संबोधना देने जी, उसमें सारे दलों के लोग और सारे साथी लोग हैं, सबका पहले तो धन्यवाद। और आपने देखा कि मैनपुरी लगातार समाजवादियों का गढ़ रही है जी, और आगे भी मैनपुरी में कोई प्रश्न नहीं उठता, प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगेगा। अच्छा, मैनपुरी समाजवादी पार्टी ही रहेगी। अच्छा, इसमें कोई दुविधा नहीं। और अभी आप किसी बयान की बात कर रहे थे, वो बयान मेरे अभी संज्ञान में है नहीं जी, लेकिन जिस तरीके से पूरे एक माह तक आप लोगों ने देखा जी, आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी जी नेताजी के साथ जी, चाहे वेदांता अस्पताल का मामला रहा हो या करने लगातार आदरणीय अखिलेश जी के साथ जी, जिस तरीके से उनके आपसे रिश्ते रहे जी, वो किसी से छुपे नहीं, ये परिवार के मामले हैं जी, और वो घर के अंदर की बातें आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जी, आदरणीय शिवपाल सिंह जी जी, आदरणीय असलाल चाची जी, हमारे परिवार के अंदर उनके बीच बहुत परस्पर बहुत अच्छा प्रेम भाव है। और राजनीति देखिए सर, प्रेम भाव बाहर तो बाहर ऐसा भाव क्यों दिख रहा है? निश्चित रूप से नितिन भाई, निश्चित रूप से प्रेम भाव है, अंदर प्रेम भाव तो बाहर भी दिखे ना, अपनी अपनी जगह जी, राज निश्चित रूप से दिखेगा। मैनपुरी का देख नहीं रहा ना, प्रत्याशियों देख रहे जी, जी प्रत्याशियों की घोषणा होने दीजिए। आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी आगे बढ़ करके अच्छा, जो भी प्रत्याशी घोषित होगा उसका स्वागत करेंगे और उसको चुनाव जिताने का काम करेंगे। अच्छा, पर ये क्योंकि ये नेताजी की विरासत, तो इस पर कोई प्रश्नचित समाजवादी परिवार के और उस विचारधारा को मानने वाले कोई भी व्यक्ति प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगाएंगे। अच्छा, और उन्होंने पहले भी कई बार कहा कि उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पर आस्था व्यक्त की है और जो उनका निर्णय होगा वो सर्वमान्य निर्णय होगा। अभी अभी इंतजार करिए, प्रत्याशी की घोषणा होने दीजिए। अच्छा, जो भी प्रत्याशी होगा सारे परिवार के लोग एक साथ मिलकर के नेताजी को विरासत उसको सौंपने का काम करेंगे, मैनपुरी की सीट जीत करके। वो ठीक है, पर नितिन भाई इन बयानों के मायने क्या माने हम? आप बोले प्रेम भाव है, प्रेम भाव नहीं है जी। मैंने आदरणीय शिवपाल जी का कोई बयान नहीं सुना है। अच्छा, उसका मुझे संज्ञान नहीं है। जो मैंने देखा, जो मैं आज तक समझ रहा हूँ उसकी मैं। अच्छा, आपको देख के लगता है कि आदरणीय शिवपाल खाई पड़ गई है? खाई नहीं है बिल्कुल, लगातार जो पिछले एक माह से हम लोग देख रहे हैं। अच्छा, उस परिवार के बीच में देखला भाई बताएंगे भाई जी, प्रेम भाव है। और चाहे आप हरिद्वार में देख रहे हो, इलाहाबाद में देख रहे हो, घर के अंदर देख रहे हो, और बराबर एक दूसरे के प्रति उनका जो एक सम्मान एक दूसरे के प्रति है वो बराबर बरकरार है। ठीक, और आगे वो चीजें आगे बढ़ेंगी इसको राजनीति से। अच्छा ठीक है, ठीक है। हमारे साथ अश्विनी साहिब भाई बीजेपी प्रवक्ता ग्रुप में बैठे हुए हैं। अश्विनी भाई ये बोल रहा है कि उनकी विरासत है मैनपुरी और उसको कोई हटा नहीं सकता है, और प्रश्नवाचक वहां पर है ही नहीं, ये स्पष्ट रूप से जीत रहे हैं और वहां पर कोई सपा को हराने वाला नहीं है। हालांकि रामपुर खतौली के इन्होंने कुछ नहीं बताया है कि शायद रामपुर खतौली में उनको भी कुछ संशय हो। फिलहाल मैनपुरी के स्पष्ट कहा है कि वहां पर बीजेपी कोई चमत्कार नहीं करने जा रही है जी। गौरव जी देखिए, अभी चुनाव हुए, आजमगढ़ भी इनकी विरासत थी, रामपुर भी इनकी विरासत थी जी, हम दोनों जीते जी। और नितेंद्र भाई ने बड़े सफाई से माननीय शिवपाल जी के बयान को अनसुना कर दिया कि हमने सुना ही नहीं है। गोरखपुर में उन्होंने बयान दिया है जी, कितनी बेइज्जती सहेंगे जी, एक परिवार के लिए कितनी कुर्बानी देंगे। जब तक नेताजी थे परिवार में एकता थी जी, बड़े भाई का चूंकि देहावसान हुआ था जी, इसलिए चाहे अनचाहे जी, और जो आस्था माननीय शिवपाल जी ने माननीय नेताजी के अंदर दिखाई थी जी, उसका उन्होंने भरपूर निर्वहन किया जी। और अखिलेश जी का जो एरोगेंस है जी, उस निर्वहन में अगर वो चाहते तो एका कर सकते थे जी, लेकिन वो उनके अंदर नहीं था, वो एक एरोगेंट है जी, और वो परिवार के बीच में उन्होंने एकता की बात नहीं की। अच्छा, अब खुलकर माननीय शिवपाल जी ने बयान दे दिया है, वो चुनाव लड़ेंगे जी। अब इससे समाजवादी पार्टी के लोग उसको न माने तो वो अलग बात है। उन्होंने ये भी कहा दूसरी बात में असली समाजवादी पार्टी जी, हाँ असली देखिए, अब समाजवादी पार्टी की जब परिकल्पना किया माननीय नेताजी ने जी, तो उस समय जनेश्वर मिश्रा जी थे, उस समय मोहन सिंह जी थे, उस समय शिवपाल सिंह यादव थे, उस समय रामशरण दास जी थे जी। अब बचा कौन है जी? शिवपाल सिंह जी बचे हुए हैं जी, बिल्कुल।
तो असली वो हो नकली वो हो उनसे क्या मतलब है, वो तो समाजवादी पार्टी का मामला है, मुझे उसमें नहीं कहना है। लेकिन जो इन्होंने कहा मैनपुरी हमारी है, इसी तरीके से राहुल गांधी, राजीव गांधी, संजय गांधी और इंदिरा गांधी जी ने अमेठी और रायबरेली को भी अपना गढ़ माना था। जी बिल्कुल माना था। अमेठी की जनता ने उन्हें केरल का रास्ता दिखाया। जी तो गढ़ किसी का इस लोकतंत्र में नहीं होता है, जी ये सपा के लोग जान लें। और हाँ सबसे अच्छी बात, न आजमगढ़, न गोला गोकरण नाथ, न वहां पर क्या नाम है रामपुर, जी कहीं भी माननीय अखिलेश जी चुनाव प्रचार करने नहीं जाते, इतने बड़े नेता हो गए हैं कहीं चुनाव प्रचार करने नहीं गए। जनता ने समझ लिया है कि कौन हमारे दुख में रहेगा, कौन हमारे सुख में रहेगा, इसका नारा सबका साथ सबका विकास का है, और कौन हमारे लिए चार कदम आगे बढ़कर चलेगा और कौन तुष्टिकरण की राजनीति करेगा। सुभाषपा ने ये जनता ने समझ श्री सुभाषपा ने दो उम्र उतार दिए है, रमाकांत कश्यप मैनपुरी से, खतौली से रमेश प्रजापति, ये क्या प्रभाव डालने वाले हैं चुनाव को लेकर? देखिए अब जिसने भी उतारा है चुनाव का प्रभाव तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पड़ेगा। मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप मान लीजिए कि ये जो आप जिसका नाम लिया आपने उनकी 2,000-5,000 लोगों के बीच में ही पकड़ हो, अच्छा तो 5,000 वोट ही अगर काट दिया उन्होंने, अच्छा तो किसी दल का तो वोट कटेगा, अच्छा तो उस दल का प्रभाव पड़ेगा उतना जी। लेकिन अब ये देखने वाली बात होगी कि ये कहां कहां कौन प्रत्याशी बांट रहे हैं। अभी खतौली में सुना है जयंत जी खड़ा कर रहे हैं, वहां पर वो खड़ा कर रहे हैं, तो ये चीजों में अभी आने दीजिए, सबके प्रत्याशी सामने आ जाए। भारतीय जनता पार्टी ने अपना चुनाव का जो संगठन का हमारा उद्देश्य है, संगठन का हमारा जो जिस तरीके से हम पन्ना प्रमुखों के बाद भी हमने अपना वो बना लिया है, एक पन्ना कमेटी बना ली है, तो ये मानकर चलिए कि अब हमारी स्ट्रेटजी बदल चुकी है, उतना ये लोग गहरे जा नहीं सकते और आने वाले दिनों में ये सारे उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी की झोली में गिरे हैं, जैसे अभी गोला गोकरणनाथ, आजमगढ़ और अच्छा, रामपुर गिरा है। अच्छा ये भी गिरेंगे, तीनों चुनाव जीत रहे हैं आप, रामपुर, मैनपुरी और खतौली, तीनों जी। ठीक है इकलाक भाई, भाई क्या बाकी है समझ में नहीं आया। यहाँ पर नितिन भाई बोल रहा है कि कोई दिक्कत नहीं है, अंदर पूरा प्रेम भाव है, यानी कोई समस्या ही नहीं है, और बाहर प्रेम भाव जाकर खराब हो जाता है। भाई सिपाल जी क्यों बयान देते हैं, अगर प्रेम भाव है तो प्रेम भाव वाला बयान दें, तो क्यों बोलते हैं भाई कि अखिलेश जी चापलू से घिरे हुए हैं, या जो है असी समाजवादी पार्टी, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया है, ये क्या समझ में आ रहा है? अंदर प्रेम भाव है तो बाहर फिर इस तरह के भाव क्यों नजर आ रहे हैं? अब देखिए गौरव भाई, अगर नितिन भाई अंदर की चीज़ें जान सकते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि उस पर मैं कुछ बोलना चाहूँगा। अच्छा कि अंदर की चीज़ें तो कोई नहीं समझ सकता मेरे हिसाब से क्या है जी। और एक बात से मैं सहमत हूँ कि परिवार है जी, तो क्या परिवार में एक पिता का ही सिर्फ वो रहता है कि अपने बेटे को माने जी? आदरणीय शिवपाल सिंह यादव साहब ने जी अखिलेश यादव साहब को बड़ा बेटे का दर्जा दिया। बिल्कुल, बेटे का भी हक होता है कि वो आदरणीय शिवपाल सिंह यादव साहब का सम्मान करें जी। क्या सम्मान अगर कर देते तो आज समाजवादी पार्टी की सरकार ना होती? बिल्कुल होती। क्या अखिलेश यादव साहब आज मुख्यमंत्री ना होते? तो ये देखिए अब देखने के बाद समाजवादी पार्टी की है। और आदरणीय शिवपाल सिंह यादव साहब ने कहा असली समाजवाद जी। देख लिए असली समाजवाद जिसके अंदर भी समाजवाद है, सभी लोगों को लेकर काम करने की निष्ठा है, वही असली समाजवाद जी। कौन से लोग अपने लोगों के लिए सड़क पे जाते हैं, रोड पे जाते हैं, जनता से मिलते हैं जी, जनता के काम करते हैं, गरीब शोषित वंचित लोगों के काम करते हैं, अल्पसंख्यक के काम करते हैं, वही असली समाजवाद होता है। अच्छा, और शिवपाल सिंह यादव साहब हमेशा से समाजवाद थे, समाजवादी विचारधारा को लेकर आगे चलते हैं, क्योंकि नेताजी के शिष्य थे, नेताजी के आदेश पे आगे चलते थे, उनकी विचारधारा पे आगे चलते थे। नेताजी की भी विचारधारा यही थी, एक उत्तर प्रदेश को एक उत्तम प्रदेश बनाए, यहाँ का कोई भी गरीब शोषित वंचित परेशान ना हो, कोई भी नीति हो उसको जमीन तक लोगों तक लेके जाए। और नेताजी की अगर विचारधारा को समाजवादी पार्टी आगे नहीं ले जा पा रही तो मैं समझता हूँ बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। कौन लेके जाएगा, आप लेके जाएंगे? भाई हम हमेशा से लेके जा रहे हैं, हमारी पार्टी हमेशा से लेके बोल रहे हैं, हमारे नेता हमेशा से उस चीज को लेके आगे बोल रहे हैं आप लोग। मैंने आपसे पिछली डिबेट में कहा था कि नेताजी ने अगर कोई बात कह दी तो आदरणीय शिवपाल सिंह यादव साहब जान देना पसंद करते थे, उनकी बात नहीं काटना पसंद करते थे जी। ऐसे वो अपने पिता के रूप में मानते थे जी, बड़े भाई का दर्जा पिता स्वरूप होता है जी। अब ये तय करना देखिए अखिलेश यादव साहब का काम है, किन लोगों से घिरे हुए हैं जी भाई, उसका परिणाम तो उत्तर प्रदेश की जनता ने दिखाया आपको जी।
और आप सबने देखा, नितेन भाई ने भी हमारे देखा, 17, 22, 19 लगातार चुनाव हार रही है समाजवादी पार्टी। जो एक बार प्रदेश अध्यक्ष बन के चुनाव हरा रहा है, उसको आप दोबारा प्रदेश अध्यक्ष बना दे रहे हैं। अच्छा। तो क्या जनता तो ये बात है, जब परिवार की बात है चुपचाप बैठ कर नहीं समझा सकते हैं, जरूरी है मीडिया के माध्यम से समझाई जाए। देखिए, प्रेम आप भी दिखाइए भाई। 6 साल से आदरणीय शिवपाल सिंह यादव साहब चाहते हैं परिवार एक हो जाए। अच्छा। 6 साल से सम्मान की लड़ाई ये चल रही है कि समाजवादी पार्टी मजबूती पाए। सारे कैंडिडेट हम लोग के 22 में तैयार थे। अच्छा। एक पल नहीं सोचा उन्होंने आदरणीय अखिलेश यादव साहब उनके घर अगर पहुंचे तो जी। पूरी पार्टी, पूरे लोग त्याग कर दिए उन्होंने। अच्छा। नहीं सोचा कि हमारे जो पीछे लोग हैं वो हमें क्या कहेंगे, सिर्फ नेताजी के सपने को पूरा करने का। समाजवादी पार्टी सबसे, देश की सबसे बड़ी, प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी हो जी। तो अगर शिवपाल सिंह यादव साहब नेताजी की विचारधारा को लेकर चल रहे हैं। अच्छा। तो मैं नहीं समझता हूँ कि समाजवादी पार्टी को कोई दिक्कत होनी चाहिए जी। और अगर अखिलेश यादव साहब, आप देखें क्या करना है जी, आपका पार्टी बसपा का स्टैंड क्या होने वाला है। देखिए, नितिन भाई तो बोल रहे सपोर्ट करेंगे। देखिए, हमारी पार्टी है जी, और कोई भी राजनीतिक दल अगर राजनीति कर रहा है जी, तो हम सब कार्यकर्ता हैं, बहुत छोटे कार्यकर्ता हैं। अच्छा। हम चाहेंगे कि हमारे नेता चुनाव लड़े जी, और ये आखिरी डिसीजन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का होगा। अच्छा। अगर वो चाहेंगे चुनाव लड़ना है मैनपुरी से, तो हम लोग पूरी ताकत से चुनाव लड़ेंगे। अच्छा। अगर वो कहेंगे जी कि किसी का सपोर्ट करना है, तो हम लोग बिल्कुल उनके साथ रहेंगे। नितिन भाई की बात पर मुहर लगाएंगे या नहीं आप लोग? देखिए, नितिन भाई मैं समझता हूँ कि वो चीज नहीं कह पाएंगे, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव साहब से बड़ा नेता कोई है नहीं उत्तर प्रदेश के अंदर। अच्छा। वो भले कुछ भी हो, मगर उनका बयान जो होता है वो आज कई मीडियाओं पे चल रहा है, तो इसके पीछे एक वजह है कि वो हमेशा गरीब, शोषित, वंचित लोगों की राजनीति करते हैं, गरीबी की राजनीति करते हैं, अपनों के लोगों के बीच में हमेशा। अखिलेश जी नहीं करते क्या? अखिलेश जी नहीं करते? देखिए, ये नितिन भाई बता पाएंगे अखिलेश जी करते नहीं करते हैं, मगर मैं अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की बात बता पाऊंगा। अच्छा। लगातार देखिए, अभी पहले समाजवादी पार्टी में रहे भाई, तब समाजवादी पार्टी क्या थी गौरव भाई जी? लगातार सत्ता में थी। अच्छा। लोगों के काम करती थी, आज कहाँ है? अगर यही समाजवादी पार्टी आप बता रहे हैं, आपकी पार्टी है समाजवादी पार्टी लोहिया? असली समाजवाद की बात मैंने करी, समाजवाद की बात आदमी शिवपाल सिंह यादव साहब ने करी है। अच्छा। तो बिल्कुल समाजवाद प्रगतिशील समाजवादी पार्टी में है और पूरी तरीके से। अच्छा, ठीक है। हमारे साथ उमेश यादव भाई सुभाषपा जुड़े हुए हैं। उमेश भाई, सबसे पहले प्रत्याशी घोषित कर दिया आप, रमाकांत कश्यप और रमेश प्रजापति मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव, और दूसरा खतौली विधानसभा से। भाई सबसे जल्दी यहाँ पर करके क्या, क्यों अश्विनी भाई तो यहाँ बोल रहे हैं कि हाँ 5-7 हज़ार वोट जरूर यहाँ पर प्रभावित करेंगे, बाकी बहुत कुछ यहाँ होने वाला नहीं है। क्या स्थिति लेके जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर सपा भी लड़ने वाली है जो आपकी पुरानी सहयोगी रही है, हालांकि आप एसी के बयान के चलते अलग हो चुके हैं, और भाजपा भी आपके सामने है। अपने आप को कहाँ देखते हैं? प्रत्याशी घोषित कर दिया आपने जी। देखिए, हम उन वर्गों को प्रतिनिधित्व देना चाहते हैं जी, जो वास्तव में जिनको कोई गिन नहीं रहा। अच्छा, गिन नहीं रहा, ठीक। मित्र, आपकी आवाज स्टूडियो से बैक आ रही है क्या? जी, सही कह रहे हैं। उमेश यादव जी की आवाज सही ठीक है, उनको बैक हो गया। बोलिए भैया, बोलिए भाई जी। जी, हम उन जातियों को, समुदायों को प्रतिनिधित्व देना चाहते हैं, हम उनको देश की और प्रदेश की सबसे बड़े संसद में जी। हम लगातार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, जातिवार जनगणना की इसीलिए बात कर रहे हैं कि पाल, प्रजापति, धीबर, केवट, कुशवाहा, माली, सैनी, जो छोटी बैकवर्ड की लोअर जातियां हैं और अति दलित और अति पिछड़ी जातियां हैं जी, उनको एक्चुअली वोट बैंक के रूप में सारी पार्टियों ने यूज किया। देश जब सन 1947 के बाद जब पहला चुनाव हुआ, 1952 से लेकर अभी तक जी, तो उनको वोट बैंक के रूप में उपयोग किया गया जी। हम और हमारी पार्टी और हमारे नेता जी, उनकी शुरू से सोच रही है। कई बार उन्होंने इसको सदन से लेकर सड़क तक इस मुद्दे को उठाया जी, कि इन छोटी जातियों को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, जिनको हम कहीं गिनते नहीं, सिर्फ वोट की तरह प्रयोग करते। तो उसका देखिए सफल प्रयोग, रमाकांत कश्यप अति पिछड़ी जाति से मैनपुरी लोकसभा से सबसे पहले हमने प्रत्याशी घोषित किए, उसके बाद भाई रमेश प्रजापति जी को भागीदारी संयुक्त मोर्चा का संयुक्त प्रत्याशी बनाकर खतौली से, और रामपुर पेंडिंग है, कुछ घंटों में या एक आध दिन में हम लोग उस पर भी निर्णय ले लेंगे। विचार मंथन गहनता से चल रहा है। तो हमारा जो अभी मैं सुन रहा था, मैं थोड़ा लेट कनेक्ट हो पाया, मैं सुन रहा था कि सभी अपनी अपनी बात कह रहे थे जी। असल में अगर मैनपुरी पे आया जाए तो मैनपुरी में जो स्थिति है जी, ना तो पारिवारिक सामंजस्य है, ना कार्यकर्ताओं का सामंजस्य है जी। शिवपाल सिंह जी की जी, जो
अभिजीत विधानसभा है जी, उस पे लगातार वो लाखों मतों से जीतते रहे, उनका अपना व्यक्तिगत प्रभाव जी, है जी, वो जसवंत नगर विधानसभा मैनपुरी लोकसभा के अंतर्गत आती है जी, और मुझे लगता है कि मैं तो समाजवादी पार्टी के मित्र को और उनकी पार्टी को सलाह देना चाहूंगा कि उनको बिना साथ लिए मुझे नहीं लगता कि मैं सलाह बहुत देते भाई, चमत्कार होने वाला। अलग भी हो गए थे, सलाह दिए अलग हो गए भाई, सलाह देते रहते अलग हो गए भाई। देखिए हम जो सलाह देते हैं अगर हमारी सलाह पर चल लिया जाता तो सरकार वाला लेता, उनको बड़ा लगता है भाई, इसको सलाह देते हैं बड़ा लगता है भाई उन लोगों को। अरे सलाह दी मानी किसने, मंजूर मानी किसने, नहीं मानी तभी तो बाहर आ गए, तलाक उन्होंने दिया हमने मंजूर कर लिया। अच्छा जो उन्होंने दिया आपने मंजूर कर लिया, तो आप क्यों भाई क्यों बोल रहे थे भाई एसी में बैठते हैं, एसी बैठते हैं, इस तरह बयान क्यों देते रहे भैया? अरे जी देखिए 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 जी, हम जब जिस गठबंधन में थे जी और जो बड़ी पार्टी थी, हम उस समय छोटे दल थे, अभी भी है उनके जी, साथ में जी, तो संख्या के आधार पर, तो देखिए कार्यकर्ता के आधार पर अपने आप को कितना कमजोर नहीं मानते, आज हम विधानसभा की संख्या के आधार पर उनके सामने छोटे दल है स्वीकार कर रहे हैं तकनीकी रूप से, लेकिन जी हम जब उस मोर्चे में थे उस गठबंधन में थे तो अपनी बात कहेंगे। अगर आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी की माननीय अखिलेश यादव जी ने मान ली होती तो कुछ हजार वोट जी सर उनका तो से आज जी बोलिए आज हम नहीं आ रहे जी, तो हम ये कहना चाहेंगे कि सलाह तो देंगे। अच्छा। अब जिसके साथ रहेगा जो मेरे साथ रहेगा सलाह सुननी भी पड़ेगी और देनी भी पड़ेगी। अच्छा। अगर हमको आगे काम करना है, चुनाव में पार्टिसिपेट करना है, विजयी होना है, पार्टी का संगठन बढ़ाना है तो सलाह सुननी भी पड़ेगी, देनी भी पड़ेगी। ठीक है ठीक है भाई, ठीक है जी। हमारे साथ अजय भैया बैठे हुए हैं। अजय जी चुनाव महत्वपूर्ण है और यहाँ पर सब दमखम कर लगे हुए हैं, प्रत्याशी घोषित हुए हैं, सबसे पहले सुभाषपा से क्या परिणाम में असर डालेंगे, इसके साथ साथ यहाँ पर मैनपुरी पर सपा अपना पूरा स्पष्ट कर रही है कि हम जीतने वाले हैं और बीजेपी भी अब इस अवैध दुर्ग को भेजने की तैयारी में लगी हुई है, कैसे देखते हैं, समीकरण क्या रहने वाले हैं और प्रसपा और सपा के बीच का जो दरार चल रही है, हालांकि प्रेम भाव अंदर नजर आ रहा बाहर नहीं दिख रहा है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? गौरव भाई देखिए ये उपचुनाव जो होता है ये सबसे पहले तो सत्ता पक्ष के नाक की लड़ाई होती है। जी बिल्कुल, सत्ता पक्ष किसी भी तरीके से चुनाव को जीतना चाहता है जी और पूरी कोशिश करता है, तमाम जितने कंधे होते हैं सारे जी जी, उसको अगर आप अभी मैनपुरी से हालिया जोड़ के देखेंगे जी, तो अगर आप देख रहे होंगे कि जैसे सुपाल जी का पैचअप ना हो पा रहा हो या सुपाल जी मिल नहीं पा रहे हो सपा से, लड़ाई वहां पर ये सत्य है कि जो कद था मुलायम सिंह यादव जी का जी वो निर्विरोध रूप से बहुत बड़ा कद था जी और उन्होंने सपा को सींचा है, बहुत बड़ा किया है जी, और उसी सिंचाई से पैदा हुए हैं सुपाल जी भी। अच्छा, और ये पार्टी भी, तो वहां से मुझे नहीं लगता कि समाजवादी पार्टी को कोई बहुत बड़ा नुकसान होना चाहिए चाहे जो लड़े। अच्छा, तो आप माना जीत रही है कद के हिसाब से ही चुनाव लड़ा जाएगा, ये पूरा सिंपैथिकल चुनाव होगा। जी बिल्कुल, ये उपचुनाव जो है जी उस जगह पे। अच्छा, पीछे के चुनाव पर अगर आप जाएंगे जैसे मान लीजिए रामपुर में लोकसभा चुनाव और आजमगढ़ में लोकसभा चुनाव अखिलेश जी की वजह से और रामपुर में आजम खान साहब की वजह से जी, इन लोगों का चुनाव थोपा हुआ चुनाव था। अच्छा, थोपा मतलब ये जबरिया विधानसभा चुनाव लड़े जी और इन्होंने छोड़ा क्या, लोकसभा छोड़ दी, चाहते तो लोकसभा गलत फैसला था, गलत फैसला ही एक तरह से कहेंगे, सत्ता नहीं थी तो लोकसभा जाना चाहिए, इनको रखना चाहिए जी, लोकसभा छोड़ करके और वो भाजपा की प्रचंड जीत कह सकते हैं आपके, वो दोनों सीटें जो समाजवादी पार्टी की, मास्टर स्ट्रोक रहा जी, दोनों सीटें समाजवादी पार्टी की थी और दोनों भाजपा ने दोनों हारे लोग जी, तो लड़ाई जो होता है जनरली जो मतलब मध्यावधि चुनाव जिसको कहते हैं या पोल जैसे, उसको आप मान के सरकार के लिए नाक का सवाल होता है जी, और नाक का सवाल इस तरह से नहीं कि आज जैसे पार्टी के तमाम लोग हैं, तमाम प्रवक्ता बैठे हुए हैं जी, तो सारे लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं से ये चीज इस चीजों को कैलकुलेशन में लगे होंगे कि कैसे किसको कहां से कितना वोट काट करके हराया जा सकता है, जिताया जा सकता है। शिवपाल जी का जो बयान है जी, मैंने भी अभी सुना नहीं है खैर जी, लेकिन अगर आप एक चैनल पर इतना कह रहे हैं तो निश्चित तौर पर कहा बड़े चैनल चला है, हाँ तो ये कहा होगा उन्होंने, अब उस बयान के पीछे भी आपको जाना पड़ेगा और अगर आप गहराई में जाएंगे तो उसमें भी आपको राजनीति दिखाई देगी जी, और राजनीति दिखाई देगी तो सत्ता पक्ष की ही दिखाएगी जी, और यही सत्ता पक्ष है कि किसी तरह से जी मैनपुरी जीतना चाहेंगे जी, लेकिन जो समीकरण मैनपुरी का है जी
उसके लिए आप ये मोटा मोटा मान के चलिए कि वहाँ पूरा चुनाव सिंपैथी का चुनाव होगा। अभी मुलायम सिंह को मरे बहुत ज्यादा दिन नहीं हुआ है दिवंगत हुए, तो अभी तो पूरी तरह से मैनपुरी के अलावा बाकी चुनाव हार सकते हैं लोग, लेकिन मैनपुरी नहीं हारेंगे। ठीक है, पर यहाँ पर मैनपुर ये बात भी है कि जिस तरह से सपा पूरी भूमिका बता रही है कि हम जीतने वाले हैं, भाजपा भी बोल रही है कि हम जीतेंगे, यहाँ पर कोई संशय नहीं है, पर जो खाई पट्टी नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि लोकसभा के अंदर जसवंत नगर भी आता है, उसी विधानसभा के अंदर लोकसभा के अंतर्गत आता है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर अगर शिवपाल सिंह यादव का सहयोग नहीं मिलेगा तो शायद यहाँ पर मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। नितिन भाई, एकलाख भाई बोल रहे हैं कि सम्मान नहीं करते हैं इसलिए कारण रहा, और पुराना जो नुकसान हुआ सरकार बनाने जा रहे थे, सरकार नहीं बना पाए इसी कमी के चलते, सम्मान नहीं देते हैं और इसीलिए उनकी टीस बार बार पलट पलट के आ जाती है और मीडिया के सामने वो इस तरह बयान दे देते हैं कि सम्मान नहीं है और चापलूसी से घिरे हुए हैं। जी नितिन भाई। गौरव जी देखिए, जी अभी हमारे सुभाषपा के साथी के जी सामाजिक भागीदारी की जी, और जिसकी वजह से इन्होंने बताया कि हमने कैंडिडेट घोषित कर दिया जी। मैं आपको बताऊं, समाजवादी पार्टी से ज्यादा पिछड़ों की सामाजिक भागीदारी देने का काम आज तक किसी ने कभी नहीं किया, और इसके मैं कुछ उदाहरण बताता हूँ कि वो लोग अच्छा जो समाज के पिछड़े तबके से आते रहे हैं जी, और सीधे चुनाव जीत करके नहीं आते, अच्छा उनको उन्होंने सामाजिक भागीदारी देने में समाजवादी पार्टी ने हमेशा अग्रणी भूमिका निभाने का काम किया। देखिए पिछड़े समाज में राजपाल कश्यप जी, जिनको समाजवादी पार्टी ने MLC बनाया, दयाराम प्रजापति जिनकी प्रजापति समाज की बात करें तो कई बार MLC नेता जी ने बनाया जी, बनाए विश्वकर्मा समाज से रामाश्रय विश्वकर्मा को कई बार MLC बनाया जी, पाल समाज से हमारे यहाँ आडी पाल कानपुर से होते जो कई नाम पालों में है, पाल करे बहुत पाल को कई बार कैसे दी गई, उर्मी समाज से नरेश उत्तम पटेल को कई बार MLC बनाया और पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष बना रखा है जी, कुशवाहा समाज से लीलावती कुशवाहा को MLC बनाया, क्योंकि ये वो ऐसी पिछड़ी जातियां जिनकी हर सीटों पर जातिगत भागीदारी उतनी ज्यादा नहीं है जी, तो चुनाव लड़ के जीत सके, इसलिए इनकी भागीदारी के लिए एक तो लीलावती कुशवाहा को दिया। साहू समाज की बात करें तो राम नारायण साहू से शुरू करिए, आज तो भाजपा में चले गए नेता जिनको राज्यसभा में भेजा था जी, जगजीवन साहू मौजूदा समय में MLC समाजवादी पार्टी ने बनाया है जी, SP सिंह बघेल को पार्टी ने कहां से कहां पहुंचाया जी, और आपने देखा किस तरीके से जब नेताजी मेरा भर्ती थे तो वो रो रहे थे कि हमें पुत्र जैसा माना, और सुरक्षा से के सुरक्षा कर्मी थे उनको राज्यसभा से लेकर के लोकसभा तक विधानसभा सारे चुनाव लड़ा करके और उनकी हैसियत बनाने का पिछड़ों में काम किया। वाल्मीकि समाज में आपको याद हो दुर्गेश वाल्मीकि समाज कर्मचारी थे, पार्टी कार्यालय में पानी पिलाने का काम करते थे, नेताजी ने उनको कहां से उठाकर कहां पहुंचाने का काम किया था, उन्होंने सफाई कर्मचारी आयोग का चेयरमैन तक बनाने का काम किया था। तो ये पिछड़ों की बात अगर करें तो आज जो भी लोग हैं और जो दम भर के बोल रहे हैं, राजभर की बात करें आज भारतीय जनता पार्टी में अनिल राजभर मंत्री हैं, जिनको समाजवादी पार्टी ने पहला चुनाव लड़ाकर नेता बनाने का काम किया था आपकी बनारस की विधानसभा से, और आज उनको प्रदेश अध्यक्ष युजन सभा बनाने का काम किया था, और कुछ दिन रहते तो वो भी MLC हो सकते थे, वो भी और उस समय योजना आयोग का उपाध्यक्ष बनाया था, समाजवादी पार्टी ने राज्य मंत्री का दर्जा देने का काम किया था। तो ऐसी बात जैसे अगर ये सुभाषपा के साथी हमारे कर रहे हैं तो मुझे नहीं लगता है कि सामाजिक भागीदारी और इनके लोगों की हैसियत समाज भाई, आपने कहा सब मुलायम सिंह यादव ने कहा किया, सब नेताजी ने किया, अखिलेश जी ने क्या किया, नेताजी ने किया, अखिलेश जी ने किया, ये मैं कह राजपाल कश्यप को किसने बनाया, लीलावती कुशवाहा को किसने बनाया, अच्छा ये जो नाम मैं गिना रहा हूँ ये कोई नेताजी और अखिलेश यादव जी कोई अलग चीज नहीं थे। अच्छा अच्छा, जब प्रदेश अध्यक्ष थे उस समय आदरणीय अखिलेश यादव जी चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी थे, दोनों लोगों से सहमति से चीजें हुई। आज आप इतनी बड़ी पार्टी है विपक्ष में, आप नहीं है विपक्ष में है नितिन भाई, लगातार आदरणीय अखिलेश यादव जी का दिल बहुत बड़ा दिल है, अच्छा और वो सबको दिल में से पल जी नहीं आ पा रहे थे। मैं क्या कह रहा हूँ, हमारे साथी बात कह रहे हैं असली नकली की, हालांकि मैं उस डिबेट में अभी जाना ही नहीं चाहता हूँ, वो समय अभी नहीं आया है, अच्छा। अभी वो प्रत्याशी घोषित हो जाएगा चुनाव तब वो बात आएगी, अच्छा। आदरणीय शिवपाल जी चूंकि हम लोगों के आदरणीय है परिवार के, चूंकि वो भी अब नेताजी के बाद हम लोगों के लिए वो सम्माननीय है जी। हम लोग उनमें भी अगर और उन्होंने स्वयं ये बात सफाई में
माइक पकड़ के कहा था कि नेताजी के रूप में अब हम सब लोग आदरणीय समय हो गया उस बात को, उस बात तीन चार बयान दे चुके हैं। नेताजी का अर्थ आदरणीय अखिलेश यादव जी दिख रहा है, अब बोल चुके हैं, इसलिए अब उनके ऊपर हम लोग कोई ऐसी नितिन भाई अकेला भाई कुछ बोल रहा है, ऐसा तो जनता करती है। नितिन भाई अखिलेश भाई कुछ नहीं बोले, मुझे पता है ये नहीं बोलना, बिल्कुल बोलना भी बोलना चाह रहे हो, मैं भी नहीं बोलूंगा वो भी नहीं बोलेंगे, ये उस अभी वो बात नहीं आया है, ये बात तो गलत है भाई, बोलना नहीं जिनको कुछ बोलना चाह रहे हैं, नहीं वो अगर बोले तो मैं मना नहीं कर रहा, अभी क्या बात है, मुझे पता है अभी वो वक्त नहीं आया है मैं शिवपाल जी पर कुछ बोलूं, और वो अखिलेश जी शिवपाल जी भी नहीं बोल रहा है, वो तो जनरल बार बोल रहा है, अखिलेश भाई बोलिए। नहीं मैं एक बात नितिन भाई से बोल रहा हूं, मैं नितिन भाई से एक बात बोल रहा हूँ कि जैसे मैं नितिन भाई को बड़ा भाई मानता हूँ, अच्छा लगातार टीवी डिबेट्स में मेरे साथ बैठते हैं और मैं कहता हूँ ये मेरे बड़े भाई हैं जी, तो क्या नितिन भाई एक बार नहीं कह सकते हैं कि हाँ इखलाक मेरा छोटा भाई, क्या बात है, बहुत सही बात है, दोनों तरफ से चीजें होती है जी। नहीं बात पूरी ले लीजिए भाई बोलिए। देखिए तो उसी तरह से आदरणीय शिवपाल सिंह यादव साहब ने हमेशा से अखिलेश यादव साहब को अपना बड़ा बेटा माना, अपना नेता माना जी, तो कम से कम एक बार तो आदरणीय अखिलेश यादव साहब ये कह सकते हैं जी कि चाचा आप ही सब कुछ हो, अच्छा वो नहीं बोले ना, दिल बड़ा बोल, क्या पार्टी तब नहीं स्टैंड करेगी जी। शिवपाल सिंह यादव साहब तो दोनों हाथ फैलाए बैठे हैं साहब जी, अखिलेश यादव साहब को अपना बड़ा बेटा मानते हैं, आज भी मानते हैं, उनका भी दर्द समझने की कोशिश समाजवादी पार्टी करे, आदरणीय अखिलेश यादव साहब करे मेरे हिसाब से जी। बहुत कुछ समाजवादी पार्टी और उत्तर प्रदेश की जनता को शिवपाल सिंह यादव साहब से मिलेगा ही जी। कभी उन्होंने लालच की राजनीति नहीं की जी। तो समाजवादी पार्टी को मजबूत करने में कहीं ना कहीं शिवपाल सिंह यादव साहब का बहुत बड़ा योगदान रहा है हमेशा से जी। बाकी तो आपको देखना है, आपकी पार्टी है जी, आपने किसको क्या बनाया किसको क्या नहीं बनाया, मगर एक सवाल आपके ही कार्यकर्ता मुझसे करते हैं, आपके ही नेता मुझसे मिलते कहते हैं कि क्या नरसोत्तम पटेल साहब को दोबारा प्रदेश अध्यक्ष बनाना चाहिए, तो चीजें थोड़ी ठीक करें नितिन भाई, आदरणीय अखिलेश यादव साहब परिवार के व्यक्ति हैं, हम भी चाहते हैं परिवार एक रहे पार्टी एक रहे, ये तय करने का काम अखिलेश यादव साहब, हमारा और आपका दोनों लोगों का इतना बड़ा कद नहीं हुआ है दोनों दलों में, आपके दल में और हमारे दल में, कि हम लोग अपने राष्ट्रीय नेतृत्व को सलाह दे रहे हैं। सही बात, ये जनता में तय हुआ है, अब वो विषय भी छोड़ दीजिए, अभी हम लोग पार्टी लाइन पर ही बात कर रहे हैं। एक चीज टोकना चाहूंगा, एक चीज बोलना चाहूंगा कि नेताजी ने ये हम लोग को हक दिया था, समाजवादी कार्यकर्ता को नेताजी ने हक दिया था कि कोई छोटा सा भी कार्यकर्ता जाके नेताजी से अपनी बात रख सकता था, तो अगर मैं नेताजी का कार्यकर्ता हूँ, अगर शिवपाल सिंह यादव साहब का कार्यकर्ता हूँ, तो मैं बिल्कुल अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सामने अपनी बात रखूंगा, पूरी तरीके से रखूंगा, क्योंकि ये हक नेताजी ने समाजवादी पार्टी और हम सबको बाकायदा प्रॉपर सम्मेलन हुआ था। अच्छा अखिलेश भाई भाई सम्मेलन हुआ, सम्मेलन में बाकायदा आवेदन प्रस्तुत किए गए और चुनाव हुआ है, अब चुनाव में अगर कोई आवेदक आता और बहुत सारे कार्यकर्ता छोड़ दीजिए वो बात, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, मगर जो आपने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष को सलाह, तो सलाह हम नहीं दे सकते हैं, मगर बात रखनी, नितिन भाई एक जरूर बात रहेगी, जो बात रखनी दिया तो नितिन भाई, ये बार बार सुभाषपा आप लोग सलाह क्यों देती है भाई, आप लोग विपक्ष की भूमिका में 111 विधायक आपके हैं, हमें समझा सुभाषपा सलाह ही बात देते हैं आप लोग, सुभाषपा के लिए अभी कुछ कहना नहीं है, वो भी कभी हमारे साथी रहे, इनके साथ तो वही हाल है बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, अच्छा अब उनसे कोई राय, देखो एक पुरानी कहावत है कि बिना बुलाए जाना नहीं और गला फाड़ के गाना नहीं, क्या बात है गौरव भाई, पुरानी कहावत है आप लोग जानते हैं कि बिना बुलाए जाना नहीं और गला फाड़ के गाना नहीं, क्योंकि बिना बुलाए जाएंगे तो अपमान होता है, और पार्वती जी का अपमान भी हुआ था, पिताजी के आगे जी संकल्प को ताड़ना करना पड़ा था, और गला फाड़ के जाएंगे तो गला खराब हो जाएगा, बोले बोले ऐसी जगह पर जहाँ जिनको सम्मान देना है और जिन जब किसी तरह बेवजह दूसरे हमेशा अपने सब कुछ ठीक करने में लगना चाहिए, अपनी एनर्जी का इस्तेमाल हमेशा जी, हम सुभाषपा के लिए मुझे इतना कहना है कि अपनी एनर्जी का इस्तेमाल अपने को बढ़ाने में करिए भाई, आप दूसरों को बढ़ा तो रहे हैं, अपने को ही प्रत्याशी उतार रहे हैं, स्वागत है बाल अभी सामने आ जाएंगे, बोलिए आवाज आ रही है क्या, बोले 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 बोलिए गौरव जी, जी बोले बोले आपकी आवाज आ रही है, जल्दी बोलिए गौरव जी, कॉल डिस्कनेक्ट हुआ लग रहा है जी, बोलिए बोलिए मुझे आपकी आवाज आ रही है, कॉल डिस्कनेक्ट नहीं हुआ, हेलो बोले बोले डिस्कनेक्ट नहीं, बोलो बोले 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 भैया बोलिए, आवाज आ रही है, बिल्कुल आ रही है, बोलिए बोलिए जल्दी बोलिए भैया, समय का बोलिए, हेलो बोले बोले भैया आपकी आवाज आ रही है मुझे, इनका संपर्क देख लिया जाए शायद डिस्कनेक्ट हो गए, अश्विनी भाई
यहाँ पर नितिन यारो भाई को यहाँ पर सलाह बहुत मिलती है, और यहाँ पर स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि कोई बीच में दरार नहीं है, सब एक है और सम्मान दे रहा है और चुनाव जीतने जा रहा है मैनपुरी का। हालांकि अभी खतौली और रामपुर पर इन्होंने कुछ नहीं कहा है, खतौली रामपुर पर शायद अभी इनको संशय लग रहा है, मैनपुरी पर 100% बोल रहे हैं कि जीतने वाले हैं। जी जी जी, देखिए जिस तरीके से नितिन भाई अभी यहाँ प्रसपा के हमारे प्रवक्ता साथी को दबा रहे हैं कि मत कुछ बोलो, अभी कुछ है, अच्छा कुछ कहा है, अच्छा वो प्रसपा के माननीय शिवपाल जी के बयान ने बता दिया कि वो कहा है, कुछ नहीं है। अच्छा, क्योंकि हर व्यक्ति का कोई ना कोई आत्मसम्मान होता है जी, और जी, उसकी पराकाष्ठा हो चुकी है कि आत्मसम्मान का मान मर्दन करने का काम माननीय अखिलेश जी द्वारा किया गया। नितिन भाई, और आपने एक बड़ा अच्छा बात लेता हूँ, अश्विनी जी बोल रहे हैं, अभी बात लेता हूँ आपकी, बोलिए। अभी आपने एक बड़ा अच्छा सवाल पूछा नितेंद्र भाई से कि अखिलेश जी ने क्या किया, सब नेता जी ने किया है जी, जी उन्होंने क्या किया है जी, नेताजी ने चुनाव जितवाया है, समाजवादी पार्टी को स्थापित किया है जी, और 14 से और आज तक अखिलेश जी चुनाव हारते चले आ रहे हैं। अच्छा, ये इन लोगों में ये इतना अंतर है और इन लोगों ने ये किया है। अच्छा, मैं एक आंकड़ा और देता हूं जी, 2012 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनी, ठीक, तब से और आज तक 48 उपचुनाव हुए जी, भारतीय जनता पार्टी ने 24 जीता है, ठीक, और 24 इनके खाते में नहीं आई है, अच्छा, सब विपक्ष को मिलाकर आई है। तो आप इन आंकड़ों से अनुमान लगा लीजिए कि हम 5 साल सरकार में नहीं रहे, उसके बाद 5 साल सरकार में रहे जी, पीछे 8 उपचुनाव हुए जब हम सरकार में थे, हमने किस तरीके से वो चुनाव जीत लिए, जनता का कितना बड़ा सहयोग रहा, ये बताते हैं कि हम चुनाव को गोरखपुर हारने के बाद जी, हम भारतीय जनता पार्टी ने अपनी स्ट्रेटजी को बदल लिया। अच्छा, और स्ट्रेटजी बदलने के बाद हम जिस तरीके से काम कर रहे हैं, जिस तरीके से संगठन के लोग हमारे लगे हुए हैं जी, अभी मैनपुरी ये कह रहे हैं जी, हमारे यहाँ माननीय जितेंद्र सिंह, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी और हमारे अन्य नेता लोग मैनपुरी और राम मैनपुरी में जाकर वहां पर डेरा डाल रहे हैं, वहां का इंचार्ज बना दिया गया उनको, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह को, ये लोग अभी मैनपुरी यहां बैठकर चिल्ला रहे हैं। अखिलेश जी को अभी गोला में चुनाव हुआ, 4 दिन नहीं हुआ बीता, कितने घंटे गए प्रचार करने जी, हमारे नेता कितने गए ये देख लीजिए जी, रामपुर चुनाव हुआ, आजमगढ़ चुनाव हुआ, ये लोग टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिए थे, बड़ा भीड़ आती थी हमारे यहाँ, हमारी जो है वो जो क्या कहते हैं वंशानुगत सीट है हमारी, जनता ने बता दिया कि लोकतंत्र में किसी के लिए कोई न वंशवाद है, न वंशानुगत सीट है, न 10 बार जीतने के बाद आपको वहां पर फिर रखेगी जनता। अच्छा, ये राहुल गांधी जी उसके प्रतीक है, माननीय अखिलेश जी का आजमगढ़ पर प्रतीक है, आजम खान जी का रामपुर प्रतीक हो जी, आने वाला चुनाव इन्हीं सब चीजों को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी फिर से परचम लहराने जा रही है, इसमें कोई शक नहीं है, कोई शुभ नहीं। तस्वीर क्या ओवर कॉन्फिडेंस रहता है इसलिए हार रहा है सीट, क्या है भाई? अखिलेश जी को एक मुगालता है। अच्छा, उनको ये लगता है जब से 12 से 17 तक वो मुख्यमंत्री रहे, लेकिन 17 से 22 तक नहीं रहे। अच्छा, लेकिन आप समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं से इंडिविजुअल पूछ लीजिएगा ऑफ कैमरा, या नितेंद्र भाई से भी ऑफ कैमरा पूछिएगा। अच्छा, पूछ लेता हूं, तो वो ये कहेंगे कि वो 22 तक उन्होंने वो मुख्यमंत्री की कुर्सी से नीचे नहीं उतरे थे। अच्छा, 22 से लेकर और 17 से 22 तक जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। अच्छा, ये उनका जो अति उत्साह जी, एरोगेंसी जी, राजनीति में उनका डर कि हमको सुपरसीड करके आगे ना चल जाए। अभी हमारे प्रसपा के साथी ने 3 बार एक बात कहा कि नरेश उत्तम को अध्यक्ष क्यों बनाया जी, जी मुझे याद है जी, सोशल मीडिया उस दिन नरेश उत्तम जी को और इनके ये समाजवादी पार्टी के लोगों ने कितना मतलब बुरा भला लिखा था नरेश उत्तम जी को जी, वो मैंने नहीं लिखा था ना, भारतीय जनता पार्टी ने लिखा था जी, लेकिन भाई ये उनके पार्टी का अंदरूनी मामला हो कि किसी को बनाए जी, लेकिन ये सब छोटी छोटी चीजें एक इसको अहंकार कहते हैं, और उस अहंकार से अखिलेश जी निकल नहीं पा रहे हैं, और आत्मविश्वास तो जो आप कह रहे हो वही है। ठीक है, उमेश भाई कुछ बोलना चाह रहे थे आप नितिन भाई की बात पे, बोलिए। एक्चुअली आपके ऑफिस से
मेरी वॉइस डिस्कनेक्ट हुई थी। नितिन भाई कुछ कह रहे थे कि बेगानी शादी में। हाँ सही कह रहे हैं आप, काहे के लिए जा रहे हैं, उन्होंने कोई कहावत भी कही थी। नितिन भाई दोबारा बोल दीजिए, शायद सुन नहीं पाए, बोलिए नितिन भाई। हमने हम आपने प्रश्न किया था कि सुभाषपा सलाह बहुत देती है आपको जी, तो हमने ये कहा था कि ये पुरानी कहावत है कि बिना बुलाए जाना नहीं और गला फाड़ के गाना नहीं। अच्छा। ये सलाह है कि आपसे जब तक कोई सलाह मांगे ना तो आपको उसको सलाह देना नहीं चाहिए। और क्योंकि पार्वती जी भी जी। बिना बुलाए अपने पिताजी दक्ष के यज्ञ में गई थी। अच्छा। तो वो भी वहां अपमानित हो गई थी। अच्छा। और गला फाड़ के गाएंगे तो आपका गला खराब होगा। इसलिए किसी अपनी एनर्जी का, इसलिए अपनी अपनी एनर्जी का इस्तेमाल अपने बढ़ाने में करना चाहिए। आप एक राजनीतिक पार्टी है, अपनी ताकत बढ़ाने में अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करिए। हमें क्यों सलाह दे रहे हैं आप? भाई हम आपसे ना मांगे भाई, गाना चुनाव लड़ने जा रहे हैं भाई, चुनाव लड़ने जा रहे हैं। ये लोग बिल्कुल, ये बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, इस देश के संविधान ने, इस लोकतंत्र में हर व्यक्ति को अधिकार दिया, हर पार्टी को अधिकार दिया है कि वो अपने प्रत्याशी उतारे। परिणाम तो चुनाव के बाद आएगा। यदि ये जो आप अहंकार की भाषा बोल रहे हैं कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, यदि ये ना होती तो 2022 में अगर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की बात मान ली होती तो निश्चित सरकार में होते। अच्छा। आजमगढ़ के चुनाव में हमारी बात मान ली होती राष्ट्रीय नेतृत्व की तो निश्चित पार्टी माने थे आप लोगों की। नहीं बात नहीं मान रहे थे, इन्हीं बातों की तो लड़ाई थी। अच्छा। बात नहीं मान रहे थे ना। फिर गलबैया मिला के चुनाव प्रचार क्यों हो रहा था भाई, अगर बात नहीं मान रहे थे? पूरी बात गौरव जी, नितिन भाई की बात का जवाब हो जाने दीजिए। बोले बोले, ये जो इनकी बात, इनकी जो भाषा, इनकी बॉडी लैंग्वेज, इसमें जो अहंकार है, अच्छा, इसीलिए ये 17, 19, 22 लगातार उपचुनाव ये सब हारते जा रहे हैं। अच्छा। इसीलिए हारते जा रहे हैं। ये कह रहे हैं कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, तो आपको एडवाइजर बना ले अपना, आप लोग एडवाइजर नियुक्त करा बना ले। अरे 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 एडवाइजर क्यों बना ले? अगर हम साथ होंगे कोई काम को सामूहिक रूप से करेंगे तो निश्चित हमारी सलाह सुनती है। हमें भी आपकी बात माननी जी भैया, हम चुनाव लड़ने जा रहे। मैं गौरव जी इजाजत हो तो मैं उम्मीदवार बता दूं कि ये जी एक मिनट सुन लीजिए। देखिए समाजवादी पार्टी का गठन 1992 में हुआ था, ठीक है, और 1992 से आज तक नेताजी ने कई बार सरकारें बनाई। आदरणीय अखिलेश यादव मुख्यमंत्री रह चुके, आज मौजूदा समय में नेता विरोधी दल है, ठीक है। और 1980 से 92 समाजवादी की सरकार बनी। ओम प्रकाश राजभर जी 1980 से पार्टी की राजनीति में जुड़े थे, बसपा से। उसके बाद 96 में पिछड़ा का विधानसभा का चुनाव लड़े थे, कितने वोट मिले थे ये साथ उन्हें जिसको नहीं पता होगा। 2000 में इन्होंने फिर बसपा छोड़ दी थी। 2001 में ये फिर टिकट मांगने बसपा में गए थे, नहीं मिली थी। फिर ये अपना दल में सोनेलाल जी के साथ में गए थे, अपना दल सोनेलाल जी के साथ भी इनकी बहुत लंबी नहीं भी थी। अच्छा। फिर ये 2000 दल में अपना दल छोड़ करके अपनी पार्टी बनाए थे, और उससे लेकर के आज के दिन तक आप ये देख लीजिए कि कितने चुनाव लड़े, लोकसभा भी लड़े, 2004 तक में लोकसभा लड़े, तो इनको 0.07% वोट मिला था। एक परसेंट भी नहीं मिला था। मैं आपको बताऊं आदमी की स्थिति, 2007 में विधानसभा का चुनाव लड़े थे, अच्छा, क्या स्थिति रह गई थी। 9 में लोकसभा का चुनाव लड़े, क्या स्थिति। ये 2012 में भारतीय जनता पार्टी अस्मित भाई जी की कृपा से 8 सीटें चुनाव लड़ करके 4 सीटें जीत करके आ गए थे, मंत्री बन गए थे, तो आज बोलने की स्थिति में हो गए हैं। और ये आदरणीय दिखाने की कोशिश के सूरत के ऊपर मुंह करके थूकने जैसा है। अच्छा। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप अभी और मेहनत करिए और अपनी ताकत को बढ़ाइए। हमारी शुभकामनाएं हैं, आप खूब चुनाव लड़िए, लेकिन बिना बैसाखी काटने के चुनाव नहीं जीतते। चुनाव सिंगल ओम प्रकाश राजभर अपने दम पर लड़े और जीत के दिखाए, तब दूसरे पर उंगली उठाए। अच्छा ठीक है भाई, एक चुनाव लड़के दिखाइए जीत के भैया के लिए जी। इस देश के लिए लड़ा जीत के दिखाए, उस दिन आप नजर मिला समाजवादियों से बात करिएगा जी। बोलिए, गठबंधन सहित और कई जगह स्वतंत्र सरकार है जी, और देश में
उनकी दूसरी बार सन 2019 में लोकसभा में सेंटर में केंद्र में सरकार है जी। और यही भारतीय जनता पार्टी की जब शुरुआत हुई थी तो सदन में दो सांसद जब चुन के पहुंचे तो वही लोग हंस रहे थे। देखिए 100 कदम चलने के लिए पहला कदम उठाना पड़ता है। और इतिहास मत गिनाइए, 2002 में एक छोटे से तबके के गरीब परिवार के व्यक्ति ने एक पार्टी का गठन किया एक जिले में, और आज 2017 में हम 4 विधायक बनाए, उसके बाद हम 2022 में 6 विधायक बनाए। देखिए पहले सूर्य जब उदय होता है तो पहली किरण से पूरे विश्व में उजाला नहीं कर पाता, जब वो अपने परवान चढ़ता है तो धीरे 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 पूरे विश्व में उजाला कर पाता है। और ये जो आप सलाह दे रहे हैं, हमारा इतिहास गिना रहे हैं, ऐसी कौन सी पार्टी आज भारतीय जनता पार्टी पूरे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी मानी जाती है। अच्छा, और इस देश में लगातार वो सरकारें बना रही है 21 प्रदेश, वो ये कह रहे आपकी किसी चुप्पी नहीं है, वो ये कह रहे आपकी किसी पार्टी निपटी नहीं है, पार्टी चले जाते हैं। देखिए जो गरीबों शोषितों वंचितों की लड़ाई नहीं लड़ेगा, जो उनकी बात नहीं, तो पहले पता नहीं चल पाता क्या डॉक्टर डॉक्टर नहीं देखिए बिना नहीं पता 42 साल हो गए ओम प्रकाश जी को राजनीति करते हुए। अच्छा, 42 साल में एक चुनाव अपने दम पर तो जीत लेते, और सरकार 18 साल से चुनाव लड़ रहे हैं 42 साल पहले से 1980 से, तो आज तक एक चुनाव तो अपने दम पर जीतो तब तो दूसरों को सलाह दो भाई, नहीं होती है। आप बैसाखी से 4 विधायक जीत के आते हैं भाजपा के बैसाखी की आप, अरे सरकार तो 93 में बसपा के साथ आपकी भी बनी थी। अच्छा, उसके बाद भी आपने गठबंधन किए, आपने 2014 में दो लड़के निकले थे, गठबंधन किसने नहीं किए। आज भारतीय जनता पार्टी 40 पार्टियों के साथ गठबंधन किए हुए हैं, और तो पहले ही टिकता नहीं है कह रहे वो, और अरे वो कह रहे आपका गठबंधन टिकता नहीं है, आगे भी नहीं टिकेगा। अच्छा, जो जनता ठीक है भैया, ठीक है ठीक है भाई, बड़ा बयान दिया है, बड़ा बयान दिया है भाई, भाजपा वाले और सपा वाले। अश्विनी भाई कुछ बोलना चाह रहे हैं, अश्विनी भाई कुछ बोलना चाह रहे हैं। जी मैं ये गौरव जी कह रहा हूँ जी, आप जो है देखिए बात सुभाषपा की है, सुभाषपा अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रही है, कोई भी पार्टी को लोकतंत्र में संघर्ष करने का अधिकार है। वो है, अधिकार दिया हुआ है इस संविधान ने जी, अच्छी चीज है। हाँ, वो अलग बात है कि ओम प्रकाश जी जो है अपने चाहे बड़बोलापन या सलाह की बात आपने कहा, उससे उनके साथ किसी के साथ वो नहीं हो पाते हैं जी। मगर जो मुख्य बात यहाँ है कि अभी जो गठबंधन करके समाजवादी पार्टी चल रही है जी, जैसे साइकिल पर वो जो है दो लड़कों की जोड़ी आई वो खत्म हो गई, फिर हाथी बैठाए वो भी गड़बड़ हो गया, फिर छोटे छोटे दलों को लटकाए वो भी लटक गया, तो ये मामला उनका कहीं बनता हुआ नजर नहीं आ रहा। अच्छा, लेकिन ये किस विश्वास पर नितेंद्र भाई ये कह रहे हैं कि हम मैनपुरी रामपुर जीतेंगे जी। ये एक यक्ष प्रश्न आज है, इस पर इनको विचार करना होगा। और अब मुझे जहां तक लग रहा है कि जैसे 5 से अब इस समय 3 सीटें रह गई हैं, अब भी उनकी सीटें कम होकर 1 या 2 रह जाएंगी। अच्छा, राज्यसभा का कमरा छीना, अब लोकसभा का भी जो ऑफिस कार्यालय का कमरा है वो छीनने वाला है। आने वाले दिनों में अखिलेश जी को अपने दल के लिए स्ट्रेटजी बनानी होगी कि भारतीय जनता पार्टी से वो लड़ सके। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के अश्वमेध यज्ञ का जो घोड़ा है वो कोई रोकने वाला नहीं है, वो बढ़ता जा रहा है और वो इस समय जनता का आशीर्वाद हमको मिलता जा रहा है। ठीक है जी, अजय भाई अपनी बात पूरी करिए जल्दी। जो इनका भारतीय जनता पार्टी का जो घोड़ा दौड़ रहा है, अच्छा ये हमलावर उस समय थे ना, जैसे समाजवादी पार्टी को परिवारवादी पार्टी भी कहा जाता था। अच्छा, तो अखिलेश यादव को अगर आप एनालाइज करेंगे जी, तो परिवारवाद से निकलना चाह रहे हैं। अच्छा, वो भी आपको देखना पड़ेगा जी। जैसे अभी कुछ ही दिन पहले अपर्णा जी गई भारतीय जनता पार्टी में, वो ऐसा थोड़ी था कि मुलायम सिंह यादव जी नहीं थे, तब उस समय वो भी थे। जब शिवपाल जी ने पार्टी बनाई तब भी माननीय मुलायम सिंह जी थे। तो जो परिवारवाद से, इसीलिए अखिलेश यादव
किसी को मनाने नहीं जा रहे हैं कि आप हमारे वापस आओ। अच्छा, वो परिवारवाद का जो इनका हमला था भारतीय जनता पार्टी का, अच्छा, उसको बार बार परिवारवादी पार्टी बोलते थे समाजवादी पार्टी के साथ, अलग हो गए हैं तो उस पर वो नहीं जाना चाह रहे हैं, जो मुझे लगता है कि वो अब उस पर नहीं जाना चाहते, उससे अलग रहना चाहते हैं कि हमारे ऊपर ये आरोप ना लगे कि परिवारवादी पार्टी। देखिए परिवारवाद उत्तर प्रदेश की जनता जो होती है वो चुन के आपको भेज रही है, तो मुझे नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो इल्जाम लगाए तो वो समझना चाहिए अखिलेश यादव साहब को, जनता जीता के भेज रही है। अश्विनी भाई ने एक बात कही कि प्रसपा के प्रवक्ता को दबाने का काम कर रहे हैं, अश्विनी भाई हम सब आदरणीय शिवपाल सिंह यादव साहब के कार्यकर्ता हैं, ना हम सपा से दबते हैं, सपा से दबते हैं, हम किसी से दबके काम नहीं करते हैं, जब हमारा नेता किसी से नहीं दबता, गरीब लोग काम करता तो हम लोग भी किसी से दबके काम नहीं करते। ठीक ठीक, इस चर्चा में जुड़ने के लिए आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर चर्चा रही मैनपुरी की, उपचुनाव की, लोकसभा के, और खतौली और रामपुर की, पर यहाँ पर मेहनत करनी होगी अगर कुछ बदलाव करने हैं। केवल उत्साह से चुनाव जीते नहीं जाते हैं, धरातल संघर्ष जरूरी है, साथ ही साथ जरूरी है समीकरण भी। किसी को कमतर आंकना भी मेरे ख्याल से राजनीति में बहुत बड़ा नुकसान होता है, और उसी का परिणाम ये होता है कि हम लगातार सीटें हारते चले जाते हैं। आने वाला समय और कठिन समय है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सेमीफाइनल होने वाला है निकाय चुनाव 24 के पहले का, और इसके साथ ही साथ उपचुनाव भी लगातार हो रहे हैं। हिमाचल गुजरात के मायने भी अलग रहेंगे, और 24 चुनाव भी बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर होने वाला है। फिलहाल उत्तर प्रदेश में जो चर्चा है वो चलती रहेगी, और राजनीति भी ऐसे ही आरोप प्रत्यारोप के दौर से गुजरती रहेगी। पर इस बात पर सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगा, सिर्फ सोचने से नहीं मिलते सपनों के महल, सिर्फ सोचने से नहीं मिलते सपनों के महल, कर्म भी जरूरी है सपनों को पाने के लिए। तो आज की चर्चा में इतना ही, मुझे यानी गौरव से स्टूडियो नीति, नमस्कार।